दिस एक्सरसाइज फॉर द डिकम्प्रेशन ऑफ द स्पाइंस यू कैन सी इट द एंगल लाइक दिस एंड दिस ओके दो द थिंग ऑफ दिस्क इन द कम्प्रेशन ऑफ द वर्टेबल बॉडी उसके बाद डिस्क क्या होता है कि थीनिंग ऑफ डिस्क हो जाता है उसके कारण बल्ज हो जाता है डिफ्यूज डिस्क बल्ज और ठीक है तो फॉर देट रीजन क्या होता है कि आप जैसे ही ये पोर्शन में जाएंगे ठीक है उसमें देखो ग्रेविटी हो रहा है नीचे की तरफ इंक्लाइन एंड वेट बॉडी आगे की तरफ क्या होता है दिस पोस्ट इज रेस्टिंग एंड यू वाला क्या वेट बेयरिंग थ्रू एट द ग्राउंड ओके सो क्या होता है स्पाइन को खोल देता है जो स्पेसेस है उसको मेंटेन कर देता है ठीक है यू कैन होल्ड फॉर मिनट्स ओके दिस इज अ एक्सरसाइज फॉर द डिकम्प्रेशन ऑफ द स्पाइन मजाक बंदे ना योजान सो दिस इज द सेकेंड वन ओके सो अगेन Uh, like a position has been changed, like now the body is going to the downward same. Now ये body रेस्टिंग पोजिशन में होगा लॉर्डली For that angle you can see the यहाँ से एंगल देखो from up and down, ठीक है सो so, अभी क्या होता है कि जो प्रेशर है ऑफ द स्पाइन का अपर स्पाइन का ठीक है डोर्सल पार्ट का तो वो आगे की तरफ होगा आगे की तरफ लेके जाएगा और जो स्पाइन में जो स्पेसिस था जो कंप्रेशन हो रहा था वो स्पेसिस को मेनटेन करेगा नॉर्मल पोजिशन में जो रिड्यूस हो गया था ठीक है यू कैन सी द एगल